तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे एंड यू गाइस आर वाचिंग एस के खान ब्लॉग्स। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, तो मैं यहाँ पे तैयार हुई हुई थी कहीं जाने के लिए, तो ये देखें ये बच्चे यहाँ पर आए और एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा इन्होंने शुरू कर दिया। फिर इन्होंने देखें एक दूसरे को बहुत मारा, शरारतें कर रहे थे एक दूसरे को, ये लोग मार कुटाई कर रहे थे। अच्छा, पालक और कीमा कल बनाना है और आज हमने वैसे सुबह से ना दाल बनाई हुई है, तो अभी मामा वही गरम करेंगी तो उसको फिर हम लोग खाएंगे। तो साथ में बनाएंगे हम लोग पराठे, दिखाती हूँ आपको। तो आटा हमने फ्रिज में से निकाल लिया, हमारी फ्रिज आजकल जो है ना कूलिंग नहीं कर रही, पता नहीं क्या मसला हो गया उसका, फ्रिज हमारी को तो कूलिंग नहीं कर रही। तो अभी जो है थोड़ी बहुत कूलिंग है फ्रिज में, अभी आटा ठंडा लग रहा है मुझे, देखें। अच्छा, साथ में हमने बनाई है आज चने की दाल, लाइट गई हुई है तो ये देखें चने की दाल बनी हुई है। तो हमने जस्ट बनाने हैं पराठे और हमारा डिनर का जो है वो ख़त्म हो जाएगा काम। तो देखें अभी रोशनी सही आ रही है ना, अभी ठीक आ रही है। तो अभी चूल्हा जल रहा है तो हम लोग फटाफट। अच्छा, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना गंदा क्यों हो रहा है। तो चलते हैं अभी ऊपर, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो जी व्यूअर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर हमारे काम चल रहे हैं, हमारा घर जो है वो ऊपर वाला फ्लोर, सेकंड फ्लोर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये देखें, ये सारा रूम में काम चल रहा था जिसकी वजह से मुझे ज़रा भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं व्लॉग बना सकूँ और अपनी रेगुलर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो ये देख सकते हैं, तो ऐसे ही होता है जब ज़्यादा घर का काम इस तरह बिखरा हो ना, तो फिर आपको पता नहीं चलता। तो ये नई सीढ़ी भी हमने लगवा ली है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, यही वजह है ना कि घर पे जब इस तरह काम हो रहा हो तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, इधर उधर भागदड़ मची होती है। और सूरज निकला है बड़ा खूबसूरत सा, सूरज डूब रहा है बल्कि, देखें ज़रा। तो ये है हमारे पूरा छत का ओवरव्यू, वो देखें कितना खूबसूरत मंज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी अभी काम चल रहा है, ब्लॉक्स वगैरह रखे हुए हमने, और इसके अलावा ये अभी जो है ना ये नेट, ये पूरी छत पे बिछेगी। अभी मैं दिखाती हूँ सैंपल। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये बिछी हुई ना, ये इस तरह ये पूरी छत पे बिछेगी, तो फिर आगे काम स्टार्ट होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ नीचे भी, और देखें तो ये आज जो है ना काम नहीं हो पाया क्योंकि जो वर्कर्स थे उनमें से एक हो गया बीमार, तो इस वजह से आज काम हुआ हुआ स्टॉप। तो मैंने कहा चले आज आपको वीडियो बनाकर दिखाती हूँ ऊपर की सारी कि हमारा काम जो है वो हो क्या रहा था, मैं क्यों नहीं आ रही थी ऑनलाइन आप लोगों के साथ, क्यों नहीं आ पा रही थी। तो अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितना देखे ना बिखेरा इधर उधर सारा हुआ हुआ है, तो इस वजह से मैं नहीं आ पा रही थी। तो अभी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें हम लोग। तो ये देखिए कबूतर उड़ा रहे हैं सामने वाले घर के, कितना प्यारा सनसेट का व्यू आ रहा है यहाँ से हमारी छत से, और इतनी अच्छी हवा चल रही है ना ऊपर के, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चले नीचे चलते हैं, ऊपर हवा काफ़ी अच्छी चल रही है लेकिन थोड़ी ठंडी हवा चल रही, तो नीचे चलते हैं। तो ये देखिए ऊपर से नीचे आए, तो ये है रूम, उधर भी रूम, ये दो सामने रूम हैं और साथ में गैलरी और
अभी ये जब बनेगा ना कंप्लीट तब और भी ज़्यादा खूबसूरत इसका लुक आएगा। और हमने जो है ना गैलरी की तरफ आर्च में इसको हमने आर्च में शेप दी है दरवाजे की। ये देखिए ये अभी ना ये सामान वामान पड़ा हुआ है, शटरिंग वालों को ये उठा कर लेके जाएंगे ना तो फिर ये कि ईजिली समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे आर्च का लुक दिया है पूरा गैलरी की तरफ से, और बाकी आप लोगों ने बाहर का तो देखा ही होगा ना, बाहर का भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कंप्लीट लुक, लेकिन थोड़ा सा हो जाए ना रेनोवेट, थोड़ा सा बन जाए तो फिर मैं आप लोगों को और दिखाऊंगी, ठीक है, साथ साथ। तो कोशिश करते रहेंगे कि आप लोगों के साथ बने रहें और आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी करें। तो यहाँ से अभी जो है ना यहाँ से उतार दिए चाचू ने खुद ही, क्योंकि आने जाने का रास्ता जो है ना इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, तो चाचू ने खुद ही उतार दिया, शटरिंग वाले आ जाए नहीं थे इस वजह से। तो हाँ जी, तो ये क्यों टूटी हुई है, इसलिए टूटी क्योंकि यहाँ से जो है ना हम लोगों ने गार्डर वगैरह ऊपर शिफ्ट किए थे। तो ये देखें पूरा काम चल रहा है, अभी भी इतना भी टाइम नहीं था हमारे पास, ज़रा भी टाइम नहीं था, और बस आहिस्ता 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 कवर अप कर रहे हैं ज़िंदगी को फिर से, रेगुलर रूटीन को फिर से हम अपनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे पराठे जो हैं वो भी बन के तैयार हो रहे हैं, ये देखें। तो जी यहाँ पे दही भी आ चुका है, पराठे भी आ चुके हैं, साथ में आ चुकी है दाल और चटनी, और वीआईपी सा हमारा डिनर होने वाला है आज का। तो मेरा भी बस रोजे का टाइम होने वाला है अब, तो फिर हम भी इंजॉय करेंगे, तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। और तो जी व्यूअर्स यहाँ पे लस्सी हमारी रेडी हो चुकी है, तो अभी हम अपना रोज़ा खोलेंगे और फिर आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।